हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के बारे में, जो 28 मार्च तक इसका अब तक आरआरबी एनटीपीसी जो टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है और अब तक कितने टोटल फॉर्म सारे जोन से भर गए हैं, उसका पूरा डिटेल हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है तो, और आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं जो वेबसाइट है एबीसी न्यूज हिंदी जीरो, ये यहाँ पर आपको पूरे एकदम जीरो से लेकर के एकदम पूरा लास्ट तक आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पर जो वेबसाइट है एबीसी न्यूज हिंदी जीरो, इस पर रोज़ अपडेट किया जाता है ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का, कितना फॉर्म किस जोन से गया है वो भी करेक्ट। तो मैंने आपको बताया भी था कि हम कैसे बताते हैं, कोई भी जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन में आपको 8 नंबर का जो अंक मिलता है, रजिस्ट्रेशन का 8 नंबर कराता है जो, तो उसमें का जो रजिस्ट्रेशन में जो 8 नंबर का अंक रहता है, सॉरी रजिस्ट्रेशन में जो 10 अंक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो 10 अंक का रहता है, उसमें आगे का जो आगे का इसमें 4 3 अंक आपका कोड रहता है और बाकी का जो 7 अंक रहता है वो उससे हम लोग पता करते हैं कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको 10 अंक का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, जिसमें आपको मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी हो गया और ये मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, तो इसमें जो आगे का 3 अंक रहता है वो कोड होता है जोन का, और आप बाकी जो जितना भी रहता है वो उतना फॉर्म फिलअप हुआ रहता है। तो ऐसे हम पता करते हैं, चलिए इसको शुरू करते हैं किस जोन में कितना फॉर्म भरा गया। और अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप अपने गूगल क्रोम में सर्च करिएगा, ये जो वेबसाइट है आप सर्च कर सकते हैं एबीसी न्यूज हिंदी जीरो, सर्च करिएगा तो ऊपर में ही आएगा आपको, और यहाँ पर क्लिक करके देख लेना है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है, तो इसमें हम आपको पूरा बताते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया, इसको जूम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है, यहाँ पर जोन नेम है ये, और ये टोटल पोस्ट है, और ये कितना फिल हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सिकंदराबाद में टोटल पोस्ट है 3234, देख सकते हैं यहाँ पर 3234, और टोटल कितना फॉर्म भरा गया है 7,76,451 फॉर्म फिलअप हुआ है सिकंदराबाद में आरआरबी एनटीपीसी में। और एक मिनट, आप वेबसाइट पर भी जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर दिया है, तो मुजफ्फरपुर में सीट बहुत कम है 3229, इसीलिए यहाँ पर फॉर्म में बहुत कम फिलअप हुआ है, मात्र 65,000 के लगभग। और त्रिवेंद्रपुरम में जो है 897 पोस्ट है, और यहाँ 2,54,156 फॉर्म फिलअप हुआ है। और अहमदाबाद में देख लेते हैं, यहाँ पर अहमदाबाद में 1024 फॉर्म है, यहाँ पर 3,98,000 के करीब फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए क्योंकि अब लास्ट डेट के करीब आ गया है। और अजमेर जो है, अजमेर में 1777 टोटल पोस्ट है और 5,08,643 फॉर्म फिलअप हुआ है। और इलाहाबाद में देखिए दोस्तों, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इलाहाबाद में 499 पोस्ट है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 लाख नहीं है, यहाँ पर 11 लाख है, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। इलाहाबाद में 11 लाख के करीब फॉर्म फिलअप हुआ है, इलाहाबाद में 11,15,436 फॉर्म फिलअप हुआ है, इलाहाबाद में 11,15,436 फॉर्म फिलअप हुआ है। तो और यहाँ बेंगलोर देख लीजिए, वहाँ पर इलाहाबाद में गलत टाइप हो गया है, इलाहाबाद में 11,15,436 फॉर्म फिलअप हुआ है, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में गया है। और यहाँ बेंगलोर देख सकते हैं, बेंगलोर में 2,470 टोटल पोस्ट है और 6,98,874 फॉर्म फिलअप हुआ है। और भोपाल में 997 टोटल पोस्ट है और 2,14,000 करीब यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में 498 पोस्ट है और यहाँ पर 2,14,567 फॉर्म फिलअप हो चुका है। और बिलासपुर का अभी तक हमारे पास डाटा नहीं है। और यहाँ पर चंडीगढ़ देख लीजिए, 2,483 पोस्ट है टोटल, और यहाँ पर 7,58,456 फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो दोस्तों आप भी चेक कर सकते हैं, आपको बस गूगल अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है एबीसी न्यूज हिंदी जीरो, और सर्च जैसे ही करिएगा तो नीचे में आपको पूरा डिटेल आ जाएगा उसका, आप वहां से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और यहां पर देखिए चंडीगढ़ का बता दिया, और चेन्नई का देख लेते हैं, चेन्नई का टोटल पोस्ट है 2,694 और इसका फॉर्म फिलअप हुआ है
5321 और गोरखपुर के यहाँ पर चेक करते हैं तो गोरखपुर में 1298 टोटल पोस्ट है और फॉर्म फिलअप हुआ है 283456 और गुवाहाटी का जो टोटल है यहाँ पर 851 पोस्ट है और 283194 फॉर्म फिलअप हुआ है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं, जम्मू का तो 898 यहाँ पर टोटल पोस् ट है और 150145 फॉर्म फिलअप हुआ है। और कोलकाता का देखते हैं तो कोलकाता में 2949 टोटल पोस्ट है और 7,04,548 के करीब फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो ये 28 मार्च तक का है हम आपको बता रहे हैं और ये दोपहर तक का था और अभी आगे भी हो गया होगा, क्योंकि शाम हो गया तब आगे भी हो गया होगा। और मालदा में देखिए 1043 पोस्ट है टोटल, यहाँ पर 385452 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हो चुका है। और पटना देख लेते हैं, पटना में 1039 टोटल पोस्ट है और फॉर्म फिलअप हुआ है 457785 फॉर्म फिलअप हुआ है। और रांची जोन का देख लेते हैं, रांची में देखिए रांची में टोटल पोस्ट है 1386 और फॉर्म फिलअप हुआ है 3,25,852 फॉर्म फिलअप हुआ है। रांची में 3,25,852 फॉर्म फिलअप हुआ है। और सिलीगुड़ी देख लेते हैं, सिलीगुड़ी में 443 टोटल पोस्ट है और 354455 यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ है। और मुंबई में देखिए यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 5,456 फॉर्म फिलअप हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ पर वेबसाइट पर आप जा करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रुप डी का भी अपलोड होता है, तो इसको कैसे चेक करना है हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बैक, हम आपको न्यू विंडो खोल करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए क्रोम ब्राउज़र, अब यहाँ पर आपको सर्च करना है ABC, यहाँ पर आपको सर्च करना है ABC न्यूज हिंदी, सी न्यूज हिंदी 0, ठीक है, ABC न्यूज हिंदी 0 यहाँ मैंने सर्च कर दिया है, आपको सर्च कर लेना है ABC न्यूज हिंदी 0 लिख कर सर्च करिएगा। देखिए यहाँ पर वो अभी नेट शायद बंद है, नेट बंद है तो इसको खोल लेते हैं, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ABC न्यूज हिंदी 0 जैसे लिख करके सर्च करिएगा तो अपने क्रोम ब्राउज़र में देखिए दोस्तों यहाँ पर खुल गया। यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं ABC न्यूज हिंदी 0 के यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपको सारा चीज़, आपको ग्रुप डी का सारा मतलब कि रोज़ दो दो पोस्ट होता है, अगर दोपहर में शाम में NTPC का और दो पोस्ट ग्रुप डी का होता है, तो आप रोज़ चेक कर सकते हैं ABC न्यूज हिंदी। देखिए यहाँ पर खुल गया, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर आया है RRB NTPC टोटल फिलअप 28 मार्च, और यहाँ पर देखिए नीचे में ग्रुप डी का होगा। देखिए यहाँ पर ग्रुप डी कौन सा जोन में कितना फॉर्म भरा गया है और कितना फॉर्म कौन सा जोन सही रहेगा यहाँ पर, और नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करके अभी और उससे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐसे चेक कर सकते हैं। अब वो टोटल सही डाटा प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त किया जाता है, दिया जाता है। तो वीडियो को शेयर करें और इस वेबसाइट को भी और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।